दुनिया भी इनके साथ पहुंचे हैं। तो तमाम साथियों से पूर्ण विद्वान कारोबारियों से इनका स्वागत करेगा, जिन्होंने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। अपना भविष्य करियर खत्म करते हुए हमेशा इनके लिए जोरदार तालियां दिनेश फोगाट जी और बजरंग पूनिया जी के लिए। और मैं अपनी निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे मंत्रासी ने आदरणीय उनसे निवेदन, आप सभी बैठने का काम करें, सबसे हाथ जोड़ करके। और मीडिया वाले साथी, आप आकर के पाछे देखो क्या हाल हो रहा है, आप लोग भी बैठने का काम करें जी। ठीक है, सबसे निवेदन है बैठने का काम करें, जितने भी हमारे खास प्रतिनिधि है उनका साथ। अरे कल्याण दे यार, हमें बार बार नाम न के लिए। आपके बीच में मैं साक्षी लेकर सबसे पहले इस जनजींद बाईपास से निकल चुके हैं आदरणीय अनिकेश जी का पर्चा। जिसका जो मान सम्मान उसको आप लोग करने दो, जोरदार तालियां मैं विनेश फोगाट के लिए और हमारी जो क्रांतिकारी टीम है पूनम कंडेला और बहन अनिता सुटकिन के लिए। और मैं निवेदन करूंगा भाई बजरंग पुनिया, उसको जो हमारी युवा टीम है भाई करने दो माइकर है वो लो। पता कौन सा दिया है रेडियो हमारे जो जिसे हम बोलते हैं कि मैन कमेटी हो आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे, तो उनका समर्थी चिन्ह है। आगे से दूर हो लगते सारे दूर हो आगे से। मैंने विनेश फोगाट और भाई बजरंग पुनिया को भाई बजरंग आपके लिए हमारे सपोर्ट में है और बहुत सही हिम्मत बढ़ा रहे हैं। कुछ भी अगर हम गलत भी करे हो तो वो समझाते हैं, बड़े हैं तो हर चीज़। बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, सत्यपाल सर सभी से आ रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी हमारे सपोर्ट में बढ़े हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जो इतने जिन्होंने देश के लिए इतना किया है या कर रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए जो आगे आ रहे हैं, वो सपोर्ट में खड़े। तो डेफिनेटली गुरनाम ने जिस प्रकार से कहा कि अगर शांति से माने ठीक है, अगर विनेश और ये खिलाड़ी कहें तो हम उनको घर से निकाला है, आपको लगता है जरूरत पड़ेगी ऐसी? देखो हम शांति प्रिय लोग हैं, हमने 13 महीने किसान आंदोलन शांति से जीता था और शांति से बड़ा कोई आंदोलन हो नहीं सकता। पूरे दुनिया में चर्चा है कि हिंदुस्तान में एक आंदोलन हुआ था शांति प्रिय, 13 महीने तक इतनी भीड़ को शांति प्रिय रखना बहुत बड़ी बात होती है और शांति से हम जीते थे, आगे भी हम शांति से। इस प्रकार की पंचायतें अब हरियाणा में और भी होंगी? देखो वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग डिसाइड कर रहे हैं, वो जहाँ बुलाएंगे हम जाएंगे। 4 तारीख ना जी जी बिल्कुल बड़े। हाँ जी, शहर शहर की जो बोली गई थी आपने कहा था कि शहर शहर में प्रदर्शन होंगे, वो हरियाणा तक ही सीमित रहेंगे या फिर हरियाणा से अदर स्टेट में भी जाएंगे? लेकिन अभी हमने बोला है, अभी क्या खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो चल रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हम 3 ही खिलाड़ी हैं और थोड़ा सा हम पे भी लोड ज्यादा होता है, हमें जंतर मंत्र भी संभालना होता है और भी काम, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं और जा भी रहे हैं। अभी सत्यवर साक्षी पंजाब में जा रहे हैं, पूरे पंजाब में कल 24 घंटे रहे, आज भी पंजाब में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में आ रहे हैं। हम पूरे देश की बेटियां हैं, हरियाणा की, सिर्फ हरियाणा की नहीं है, हम पूरे देश की बेटियां, पूरा देश समर्थन कर। 28 तारीख के लिए देश दर्शकों को क्या कहना चाहूँगा, क्या अपील करना चाहूँगा? देखो जी, अपील तो यही है कि जो हमारे बड़ों ने फैसला लिया है तो बड़े कभी गलत फैसला ले नहीं सकते, उन्होंने फैसला लिया है तो सबको आना चाहिए। और आपकी बहन बेटियों की लड़ाई है, आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है? बहुत साल लग जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनेश।